अनाल क्या एक हजार आएगी और लीजिए एक हजार की टाका जो ऐलान किया था भाई एक हजार। विजय से आ गया फिर से और चले सबसे पहले इस मैच की भी इंट्रोड्यूस हो जाए। ये सेकंड राउंड की मैच सर्वाधिक गोल करने वाले टीम एक सीढ़ी मुफ्त प्रोवाइड करेगी दीवाना क्लब लेफ्ट सुपर बेनाम बादशाह जिसकी कोई नाम नहीं और ये वो बादशाह है जो अधिकतर लाल और सफेद पोशाक पर पूरी तरह से अधिकतर लाल रंगों पर जो रंगी हुई टीम नजर आ रही है यही है बेनाम बादशाह और अधिकतर सफेद पोशाक पर जो नजर आ रही है ये टीम है बेबी फुटबॉल क्लब। मंच के दाएं छोर पर बेबी फुटबॉल क्लब की टीम और बेनाम बादशाह की टीम मंच के बाएं छोर पर यानी सूर्य उदय की दिशा में और मैच का पहला जंग आरंभ और छिड़ चुकी है। आ रहे हैं थोड़ा से रोड के साइड पर जितने भी बोलबोज हैं इस क्लब के उधर साइड पे भी चला जाएंगे। कोची के लिए बाबी एफसी अच्छी गेंद तो डाली है जरूर लेकिन यहाँ पर बिना पत्ता के गोलकीपर सुंदर से गोलकीपिंग करने में सफल होता हुआ राहुल पूर्ति जस्ट नंबर 21 बिना पत्ता गोलकीपर बेहतरीन बचाओ। दोनों ने मौसाई के लिए सुंदर सा पास क्रिएट किए हैं। मौसाई ने फिर से पास सुनील के लिए मौका बनाने के क्रम पर सुनील और गेंद को रिलीज भी की हो क्या स्कोर आएगी सवाल खड़ा था गोलकीपर की बड़ी चूक अगर दो खिलाड़ी सामने में हैं तो उसमें किसी प्रकार की हावी बनने की आवश्यकता नहीं था लेकिन थोड़ी सी चूकी अगर गोल पोस्ट होते लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। या रेड कलर की बात करें बेनिम बिस्सा या व्हाइट कलर की बात करें बाबी एफसी एक बेहतरीन फुटबॉल की मैच खेला है। अब दो दलों के बीच फिर से जस्ट नंबर 12 बिना बादशाह के खिलाड़ी आनंद होना का जाति के साथ गेंद को आगे की ओर बढ़ाने के क्रम में गिरते पड़ते गेंद छीनने में सफल होता हुआ लक्ष्मण बाबी एफसी की ओर से अच्छे प्रयास रहा है दोनों के लिए। दोनों ने पिछली बार लक्ष्मण अच्छे डिलीवरी के साथ अपने साथी के लिए रखने प्रयास कोचे के लिए गेंद को दे रहे थे टकराई हाथों से गेंद आ रही क्या और फॉल किक को से मिलता हुआ इस वक्त बेबी एफसी की टीम और इस गेंद को किक को करने के लिए रेडी रास्ता पर सामने तूफान तूफान सुंदर डिफेंडर के नाम से जाने जाते हैं तूफान अच्छे गेंद को प्रवाद के लेकिन आनंद किसी भी तरह से इस गेंद को निकलने में सफल होता अच्छी ट्राई लगाई गेंद पर और गोलकीपर के लिए चुनौती भरी किक को साबित किया गया है लेकिन आसानी से अपने दस्तने से गेंद को किसी भी तरह से रिसीविंग करने में सफल होता हुआ इस वक्त गोलकीपर संजीत जगरे बेबी एफसी अच्छे प्रयास रहा है दोनों टीम का तूफान सुनील अच्छे तालमेल कोचिंग के लिए सुंदर सा पक्षांतर करने में सफल होता हुआ कोची ने दोनों के लिए दोनों ने कृष्णा सरदार के लिए एक सुंदर सा पक्षांतर किए हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब बिना बादशाह के पैरों नीचे गेंद मौका बनाएंगे बिना बादशाह सगल सिंह लेकिन नहीं उन तक गेंद पहुंचने में सफल नहीं हो पाया फिर से बार सुंदर सा पास सगल सिंह लेकिन सफल नहीं हो पाए सामने तूफान है डिफेंडर के तौर पर बेबी एफसी गेंद को सुंदर तरीके से क्लियर करने में सफल होता हुआ
ऐसा फेस्टिवल कोची ज्ञान के साथ जश्न मटपुर तूफान के लिए सुंदर सा बटवारा करना से समझा मौका बनाने के क्रम पर विनम बक्सा अभी समय तक गेट को डिलीवरी करने के बाद संजय सिंह के लिए मौका बनाने के क्रम पर अभी समय तक गेट को अपने पाले पर रख दिए वहां से किक लेने में असुविधा हो रहा है खिलाड़ी भाइयों को फिर से एक बार कॉर्नर किक क्या हो सर टीम की बात करें विनम बक्सा गेंद को बढ़ाने के क्रम में अच्छी फसल निकली है जरूर और इसी के साथ गेंद पर आएगी ओह बड़ी गलती जैसे नंबर 11 के किसी भी तरह से अगर जमीनी दिशा से अगर गेंद को फॉरवर्ड करते तो मौका बन सकता था बेनम बक्सा जैसे नंबर 11 लामदू होने का फुटबॉल दे देंगे बॉल बॉयज फुटबॉल की आवश्यकता पड़ रहा फुटबॉल दे देंगे सुनील की बात करें सुनील सांडिल की बात सुनील डांगिल की बात करें या सुनील जोंको की बात करें आज बेहतरीन फुटबॉल की मैच दोनों की टीम कभी कभी एक ही टीम से ताल्लुके रखते हैं या खिलाड़ी रहते लेकिन आज आपस पर भिड़ंत हुआ है दोनों की टीम पर सुनील के नाम से काफी अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं सुनील डांगिल की बात करें या सुनील जोंको की बात करें किसी बार तूफान नाम है तूफान और इसी प्रकार किक भी तूफान की तरह किक करते हैं शक्तिमान खिलाड़ी है आनंद के लिए एक ऊपर तो आया है लेकिन क्या आनंद स्कोर कर पाएंगे जैसे नंबर 12 रेड कलर की जर्सी पर जिस तरह विनम बक्सा प्रेशर एक काफी कठिन होंगे इसलिए फुटबॉल की मैच को एक सही तरीके से फुटबॉल की मैच को खेलने की आवश्यकता है फिर से कहा नाइकी ने दोनों के लिए दोनों ने आगे कर गेंद को बनाने क्रम पर सुनील डांगिल के लिए लेकिन सफल नहीं हो पाया अब सुनील जोंको फुटबॉल के साथ आगे कर गेंद को बनाने क्रम में मौका बनाने की काफी कोशिश की और अनाल क्या एक गजर आएगी और लीजिए एक गजर की टाका अनाल क्या एक गजर आएगी और लीजिए गजर की टाका जो ऐलान किया था भाई 1000 पॉकेट से निकल लीजिए आनंद होना का अगर स्कोर करते हैं तो 1000 की नगर राशि के नाम से उसको प्रोत्साहित किया जाए आनंद अफ्रीका मौका बनाने क्रम पे और हेडर भी आया प्रयास निरंतर जारी रखना होगा
एक स्कोर है लोकल के मैचेस पर बड़ी स्कोर नहीं कहा जाए कई सेकंड पर कई मिनट पर स्कोर को बराबरी कर सकते हैं, बहुत क्षमता है। बना हुआ है थोड़ा भी इसीलिए गुस्सा से लगता है बेनाम मस्ता की ओर से। और इस गेंद को सिंगल सी हम तो रहे नहीं करा ठीक ध्यान देंगे सभी दर्शकों से। आप लोग लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, लाइन से ज्यादा नहीं लगभग 3 कदम की दूरी मेंटेन करके बैठने का कोशिश करें। हमारे स्टैंडर्ड रेफरी सबको दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप सब से निवेदन है कि लाकिर से लगभग 3 कदम की दूरी मेंटेन करना जरूरी समझे। मोसाई ने दोनों के लिए सुंदर सा पास, इस पास के साथ फिर से कर मोसाई के लिए, लेकिन जलाद पास सटीक पास निकलने में सफल नहीं हो पाया। फिर से बार अनाद मौका बनाने क्रम पर अनाद इस वक्त पासिस गलत दे बैठे, अभी भी मौका बने हैं। सुनील जोंगो काफी समय तक गेंद को ड्रिबलिंग करने के बाद सिंगल सिंह के लिए फिर से रिटर्न पास देना उसे समझा सुनील ने। पुनः सुनील की दिशा पर गेंद को भेजा गया और ब्रेक उठ चुका है, यानी दो लेग से बाहर गेंद क्रॉस कर चुका है इस वक्त। कभी बेहतरीन मैच अंतिम समय की और स्कोर को बराबरी करने की कोशिश है, लेकिन अभी भी क्या सेकेंड स्कोर आएगी सवाल खड़ा है, बट नहीं एक चुंबक की तरह। अब देखते देखते मैच की समाप्ति।